नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 प्रथम भाषा हिंदी आज हम पाठ 6 तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने अकबर बीरबल की कहानियों को पढ़ा था ना, जिस प्रकार बीरबल हाजिर जवाबी में प्रसिद्ध थे उसी प्रकार तेनालीराम भी हाजिर जवाबी में प्रसिद्ध थे। बच्चों यहाँ पर ये चित्र देखिए, ये चित्र तेनालीराम जी का है। हाजिर जवाब, विद्वान और हसेड़ों में तेनालीराम का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बीरबल की ही तरह उनकी हास्य कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लोग उनकी कहानियां काफ़ी चाव से पढ़ते हैं, चाव मतलब शौक, शौक से पढ़ते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में अकबर थे और दिल्ली के राजा थे अकबर, उसी तरह दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे, उनके दरबार में तेनालीराम थे और वे अपने हाजिर जवाबी के कारण प्रसिद्ध थे। बच्चों अब हम पाठ को पढ़ेंगे। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता था। विदूषक का मतलब हंसी मजाक करना। तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। उनका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का निवासी होने के कारण सब उन्हें तेनालीरामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों की तो वे जादूगर थे ही, शब्दों की विचित्र अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के लोग के महाराज कृष्णदेव राय का नाम बड़ा था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रामन अपने निश्चय पर अडिग थे। पहले ज़माने में राजा महाराजा लोगों का शासन रहता था, तो इनका नाम क्या था? रामन था। तेनाली उनके गांव का नाम था, तो इसीलिए तेनालीराम इनका नाम पड़ा। तो तेनालीराम भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के पास जाना चाहते थे। लेकिन कृष्णदेव राय बड़े राजा थे, उनके पास दरबार में जाना नामुमकिन था। लेकिन एक प्रचलित मुहावरा है, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह का मतलब जहाँ चाहत होती है, काम करने की इच्छा होती है, वहाँ पर रास्ते अपने आप निकल आते हैं। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास ही एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। उस दौरान रामन ने उनके पास रहकर उनकी खूब सेवा की। रामन ने मौका देखकर एक दिन उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। उसके कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। तभी कृष्णदेव राय के गुरु थट्टाचार्य तेनाली के गाँव में छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए थे। तब रामन ने उस गुरु की खूब सेवा की थी और उन्होंने कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की इच्छा जाहिर की थी। तब थट्टाचार्य ने उनकी मदद का आश्वासन देकर वे अपने राजधानी को लौट चले गए थे। बच्चों अब आप इस पाठ को पढ़िए।